आष्टा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अमर्यादित शब्द बोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरादाबाद के जमकर नारे लगाकर बस स्टैंड के बाहर पुतला जलाकर विरोध जताया। भारतीय न्यूज के लिए अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट। पुतला दहन जो हमने किया है वो आपको पता होगा कि कल शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया जिसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को क्रिमिनल और अपराधी कहा और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रणछोड़ दास कहा। तो हम शिवराज सिंह जी चौहान से ये कहना चाहते हैं कि ये सही बात है कि आपका डीएनए जो बीजेपी आरएसएस का था, ये जो सप्ताह है जो 1942 में आजादी के लिए आपने भारत छोड़ आंदोलन चलाया था, उस समय आपका मात्र संगठन आजादी की जगह अंग्रेजों की दलाली करने में लगा हुआ था और उस समय की सरकार थी उसके खिलाफ नेहरू जी विरोध में थे। तो निश्चित तौर से अगर आप अपने आपको अंग्रेजों के दलाल मानते हो तो आपका बयान सही है, पर हम आपके बयान की कड़ी निंदा करते हैं जिसने 9 साल अपने जीवन के जेल में बिताए और देश को आजादी दिलाई। पंडित नेहरू वह शख्स है जिसने इस देश के इतिहास में जिसकी अध्यक्षता में लाहौर में 1930 के अंदर यह प्रस्ताव पास हुआ कि हमको भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए। तो इन लोगों का आजादी में तो कोई योगदान नहीं रहा, ये तो नेहरू जी को छोटा करना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो 15 साल मुख्यमंत्री रह गया और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना गैर जिम्मेदार बयान देता, उनके बयान की भारत ने ही नहीं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।